नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं समय की बड़ी खबरों की। पहले से विवादों में घिरी पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर रविवार को नीलम पार्क में एकत्रित हुए, लेकिन परमिशन न होने की वजह से पुलिस ने उन्हें लात और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाद में चयनित उम्मीदवारों ने नीलम पार्क से रेलवे स्टेशन तक रैली निकाली। पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की का विरोध भी किया। रविवार को हुए प्रदर्शन में अभ्यर्थी चयनित पटवारी लिखी टोपी पहनकर आए थे। आपको बता दें कि मार्च अप्रैल में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में 8,500 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। बाद में नीलम पार्क से रेलवे स्टेशन तक रैली निकाली। एकजुट में पूरी परीक्षा निरस्त करने की मांग। परीक्षा में अब शामिल अभ्यर्थियों के एक गुट ने पूरी परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। वहीं इस गुट के रजनीश पांडे ने कहा है कि पूरी परीक्षा विवादित है। जो अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं वे मामूली सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते थे। इसी के साथ एक मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों कहा गया कि वे मीडिया ट्रायल न दें और परीक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब न दें, केवल यह कहें कि उन्हें नियुक्ति दी जाए। चयनित अभ्यर्थियों कहना है कि जरूरी नहीं अभ्यर्थियों को सभी सवालों के सही उत्तर पता हों। साले नौकरी करने आए हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।